जगह एक चक्की वाला अपने तीन बेटों समेत रहता था। वो चक्की वाला गुजर गया। उसने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए अपनी चक्की छोड़ रखी थी और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए एक पुस रखा था। उसका छोटा बेटा बहुत नाराज था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पिताजी ने उसके लिए सिर्फ एक बिल्ला छोड़ रखा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। उस पुस ने पलटकर जवाब दिया, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं आपके लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकता हूँ। छोटा बेटा पुस को बात करते देख दंग रह गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम? ये कैसे मुमकिन है? अगर आप मुझे एक बोरी, एक हैट और एक जोड़ी बूट लाके दे तो मैं दिखाऊंगा कैसे। आश्चर्यचकित होकर छोटा बेटा सोचने लगा, अगर ये पुस बोल सकता है तो इसे जरूर कुछ पता होगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोटे बेटे ने वो सारी चीजें लाई जो पुस ने मांगी थी। पुस ने हैट पहनी, बूट्स पहने और शीशे में एक मुद्रा के साथ खुद को देखने लगा। फिर उसने लेट्यूस का गुच्छा और एक गाजर बोरे में डाला और निकल पड़ा। जब जंगल में उसने बोरी खोली और जमीन पर रखी, कुछ ही समय में एक बनी रैबिट सब्जियों की ताजा खुशबू सूंघकर वहां आया और लेट्यूस और गाजर खाने के लिए बोरी में घुसा। उसने लपक कर बोरी को उठाया और बनी रैबिट को फंसा कर उस बोरी को रस्सी से बांध दिया। उस रैबिट को अपने मालिक के पास ले जाने के बजाय पुस उसे राजमहल ले गया और पहरेदारों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। उन पहरेदारों को हैट और बूट पहने पुस को देखकर अचरज हुआ और वो उसे तुरंत महाराज के पास ले गए। हुजूर, मैं आपके लिए कैरेबा की राजकुमार की ओर से तोहफा लाया हूँ। मेरे मालिक, कैरेबा के राजकुमार ने ये बनी रैबिट आप ही के लिए तो पकड़ा है। महाराज बहुत खुश हुआ तोहफा देखकर। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। पुस इन बूट्स महाराज के लिए तरह तरह के जानवर पकड़ लाता और जल्द ही सारे राज्य में ये बात फैल गई कि कैरेबा के राजकुमार कितने उदार और अमीर हैं। जैसे दिन गुजरते गए महाराज की उत्सुकता बढ़ने लगी और फिर एक दिन उन्होंने पुस से पूछा, क्या तुम्हारे मालिक जवान है? जी हाँ, जवान और खूबसूरत भी। क्या वो अमीर है? काफी अमीर हुजूर। वो अपने महल में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही इच्छुक है। महाराज और महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वो उस खूबसूरत राजकुमार को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगर पुस जो कह रहा है वो सच है तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए परफेक्ट पति और राजकुमार मिल गया। कुछ दिनों बाद उसने पता किया कि महाराजा और महारानी राज्य से बाहर जा रहे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था। पुस दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, हमें तुरंत नदी किनारे जाना होगा, जल्दी। छोटे बेटे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने वही किया जो पुस ने उसे करने को कहा। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तैरने मालिक। तैरने? पर मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा है जो नहीं आता। अपने कपड़े उतारिए और नदी में कूद जाइए मालिक। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। छोटे बेटे को जैसे पुस ने कहा वैसे उसने किया और वो नदी में कूद गया। उसने अपने मालिक के कपड़े झाड़ियों में छुपा दिए। जब महाराज की सवारी नदी किनारे से गुजरी, पुस दौड़ते हुए उनके पास पहुँचा। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे मालिक कैरेबा के राजकुमार डूब रहे हैं।
महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को नदी में उतरने का आदेश दिया। जब सैनिक उसके मालिक को बचा रहे थे, तब उसने महाराज को सारी कहानी बताई। महाराज ने अपने नजदीक खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं, उनमें से कुछ राजकुमार के लिए लेके आओ। नए कपड़े पहनकर पुस का मालिक सचमुच का राजकुमार दिखने लगा। जब राजकुमार महाराज की सवारी की तरफ बढ़ने लगा, महाराज की बेटी और महारानी उसे देखते ही रह गए। राजकुमार महाराज की तरफ आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। मेरे मालिक कैरेबा के राजकुमार का ये सौभाग्य होगा कि आपको अपने महल ले जाकर आपकी खातिरदारी करे। मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। उस दौड़ता हुआ चला गया। छोटे बेटे को ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे कैरेबा का राजकुमार कहा जा रहा है, पर फिर उसने सोचा कि ये पुस की ही कोई तरकीब होगी और वो चुप रहा। राजकुमारी उस खूबसूरत राजकुमार को देखते ही उसे चाहने लगी। पुस एक महल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था जो एक राक्षस का महल था। रास्ते में पुस ने किसानों को चिल्लाते हुए कहा, महाराजा आ रहे हैं। अगर वो आप लोगों से पूछे कि ये किसकी जमीन है, तो कहना कि कैरेबा के राजकुमार की है, नहीं तो वो आपको सजा देंगे। पुस दौड़ रहा था और साथ ही सबको धमका रहा था जो कोई रास्ते में दिख रहा था। जब महाराज की सवारी वहां से गुजरी, सब लोगों ने डर के वही कहा जो पुस ने उन्हें कहने को कहा था। महाराज को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार की इतनी सारी जमीन है और वो बहुत खुश हुए। इसी बीच पुस उस राक्षस के महल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बड़ी आवाज के साथ खुला। राक्षस ने एक हैट और बूट पहने हुए पुस को देखा तो वो हैरान हो गया। जब पुस बात करने लगा तो राक्षस और भी ज्यादा हैरान हो गया। शुभ दिन मेरे हुजूर। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? उसने अपनी तरकीब को अंजाम देना शुरू किया। मैं आपको समझाता हूँ हुजूर। मैं महाराज का निष्ठावान सेवक हूँ और महाराज ने मुझे आपके अद्भुत जादूगरी के बारे में खूब बताया था। हाँ ये सच है। क्या आप एक बहुत बड़े शेर का रूप ले सकते हैं? जरूर मैं ले सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी आसान है। उस राक्षस ने अपनी अद्भुत जादूगरी का इस्तेमाल करके एक बड़े शेर का रूप ले लिया। ठीक है, इतना काफी है। राक्षस फिर से अपने असली रूप में आया। ये तो बड़ा चमत्कार है, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अपने आप को सबसे छोटे जानवर के रूप में नहीं डाल सकते, वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। देखते हैं, क्या आप चूहा बन सकते हैं? राक्षस इतनी जोरों से हंसा कि पुस को एक जगह खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी। और फिर उस राक्षस ने अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और चूहा बन गया। राक्षस जैसे ही चूहा बन गया, पुस ने झटपट उसे पकड़ा और निगल गया और राक्षस से छुटकारा पाया। कुछ ही समय में महाराज की सवारी उस राक्षस के महल की तरफ पहुंची और पुस ने दौड़कर उनका स्वागत किया। मेरे हुजूर, मेरे मालिक, कैरेबा के राजकुमार के महल में आपका स्वागत है, अंदर आ जाइए प्लीज। महाराज, महारानी, राजकुमारी और राजकुमार प्रशंसाजनक नजरों से महल को देखने लगे। महल के अंदर जाते समय महारानी ने राजकुमार से पूछा, मेरे प्रिय राजकुमार, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं महारानी जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक विशाल दावत का इंतजाम किया था उस महल में।
और फिर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। देखा मालिक, मैंने कहा था कि मैं बहुत ही कीमती चीज हूँ। उस दिन से पुस इन बूट्स अपने मालिक का सबसे वफादार सेवक बन गया और वो सारे उस महल में खुशी से रहने लगे।